उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल का मलबा गिर जाने के कारण उसमें 10 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के फोटो और वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो इन मजदूरों तक 6 इंच का पाइप पहुंचाने के बाद उसके माध्यम से भेजे गए कैमरे से प्राप्त हुए हैं। फोटो और वीडियो में सभी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहे हैं। इसमें मंडी जिला के बलघाटी के बंगोट गांव का विशाल भी दिखाई दे रहा है। विशाल भी इस टनल में फंसा हुआ है। वह वहां पर मशीन ऑपरेटर का काम करता है। विशाल के फोटो वीडियो सामने आने से परिजनों ने राहत की सांस ली है। घर पर विशाल की माँ उर्मिला और दादी सहित अन्य परिजनों को जब उनके मोबाइल पर ये फोटो वीडियो प्राप्त हुए तो सभी के चेहरों पर इस बात को लेकर खुशी छा गई कि उनका लाल टनल के अंदर सुरक्षित है। माँ उर्मिला और दादी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उन्हें हौसला मिला है। इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि जल्द से जल्द फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। भगवान भरी गया भगवान मारे बच्चे खड़े भीतर सब बीमार हो गए रे सब बच्चे भीतर प्रे आवे सब कृपा है मेहरबानी में बाहर का दी दो आज इतना जी सके वे आज खाना भी मिल गया ना जे पर बारे खुश है रे और क्या जो बोलना बेटा ना आज से बड़ा दुख खा मन थे भाई ना आज ऐसे खुशी मना रही शांति की बड़ी बारी भैया सब खाना भी देता भाई दिन आज बता दें कि उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल के धस जाने से उसके अंदर 41 मजदूर फंस गए हैं। इस घटना को आज पूरे 10 दिन बीत गए हैं। आज 6 इंच की एक पाइप इन मजदूरों तक पहुंची है जिसके माध्यम से अंदर कैमरा भी भेजा गया और वहां का दृश्य देखा गया जिसमें सभी लोग सुरक्षित नजर आए हैं। क्योंकि आज मैंने अपने बेटे को देख लिया है आज मेरे मन को शांति मिल गई है। तो मुझे यही गुजारिश है कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और बाकी जो जितने भी बच्चे अंदर फंसे उन सबको बाहर निकाल दो। सभी माएँ रो रही है ऐसी जैसी मैं रो रही हूँ वैसी सभी माएँ रो रही है उनको सबको बाहर निकालो बस भगवान से यही गुजारिश है हमारी। और बच्चे ने खाना भी खा लिया है खाना भी मिल रहा है जो भी मिल रहा है अच्छा मिल रहा है पर हमारी यही गुजारिश है कि इनको बाहर निकालो। हमें बहुत हौसला हुआ है जब हमने अपने बच्चे को देख लिया तो हमें बहुत हौसला हुआ कि नहीं हमारा बच्चा ठीक है सभी बच्चे ठीक हैं तो हमसे यही गुजारिश है कि इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।